अभी 6 साल हो गया सर मुझे। तो मैम अभी ये 4 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हो। हाँ सर। तो आपने शुरुआत कितने रुपए से की थी और अभी आप महीने के कितने कमा लेते हो वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर सर। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट मतलब 5 to 6 thousand तक किया था मैंने। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि मुझे ऑर्डर्स बहुत सारा आने लगा। पहले हमें 6 thousand से ही शुरू किया है। अभी मुझे मतलब 80,000-90,000 तक जो मैं मार्केटिंग करती हूँ बिजनेस करती हूँ उसके हिसाब से होता है। मिनिमम तो 30 to 40 thousand तो हो जाता है। दोस्तों सिर्फ 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप एक घर से बिजनेस सीखकर घर से ही बिजनेस शुरू करके महीने के 70,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक लाइव एग्जांपल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर मैम ने ये जो बिजनेस है अपने घर से ही शुरू किया था और मैम इसी बिजनेस से 70,000 से 1 लाख रुपए की कमाई इस बिजनेस से कर लेती है। और मैं आपको दोस्तों, आपको तो पता ही है, मैं आपके लिए ऐसे लोगों को ही मिलवाता हूँ जिन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया था और आज वो एक बड़े मुकाम पर बिजनेस कर रहे, बड़े स्केल पर बिजनेस, जिससे कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं यार अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मेरे घर से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे तो पूछते रहते हैं मेल्स में, कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर स्टूडेंट्स के लिए कोई बिजनेस आइडिया लेकर आओ। बहुत सारी फीमेल्स होती है जो घर बैठे जिन्हें कोई बिजनेस करना है वो भी पूछते रहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा बिजनेस लेकर आओ जो हम लोग घर से शुरू कर सके, मतलब 2-3 घंटे हमारे पास समझो टाइम पास के लिए रहते हैं, उसमें कुछ करके पैसा कमा सके। तो ये ऐसा बिजनेस है कि जब तक लोग सेलिब्रेशन करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये बिजनेस चलने वाला है ना। वो ऐसा बिजनेस है कि वो 365 दिन चलता है और 24 घंटे 7 दिन चलने वाला है बिजनेस। हेलो मैम। हेलो सर। तो मैम ये बताइए आपकी स्टोरी क्या है। मेरा नाम अंजलि है सर। एक्चुअली मैं पहले MNC में जॉब करती थी, पहले से ये नहीं कर रही हूँ मैं, पहले से मैं MNC में काम करती थी। उसके बाद शादी, उसके बाद बेटी, ये सब फैमिली के कमिटमेंट वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी। सो वर्क मैं नहीं कर पा रही थी बाहर जाके, क्योंकि मुझे फैमिली को भी टाइम देना था, मेरे बेटी को भी टाइम देना था। सो लेकिन उस टाइम में ये थिंक आया कि जो मुझे घर में फैमिली को टेक केयर करना है उसके साथ ही मुझे कुछ अर्न करना है, जो भी मेरा नॉलेज है वो मुझे वेस्ट नहीं करना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं पूरे टाइम घर पे मैं बिजनेस कैसे कर सकती हूँ। तो तब मुझे नियर मेरा बेटी का बर्थडे था तो मैंने केक ऑर्डर देने के लिए गई थी। तब मुझे सडनली एक आइडिया आया कि तो ठीक है, सो केक का जो ऐसा बिजनेस है ना, जो इसका जो ट्रेंड है वो कभी नहीं बंद होगा। अभी इस जनरेशन में क्या हो गया है, हर एक मतलब सेलिब्रेशन को केक कटिंग से चालू हो जाता है। एक न्यू बॉर्न बेबी वेलकम का रहेगा, फिर भी एक पार्टी का रहेगा, कुछ भी हो, एक मैरिज का रहेगा, एंगेजमेंट का रहेगा। सो इसका जो जो ट्रेंड है, डिमांड है, ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। तब मैंने सोचा कि मुझे केक मेकिंग का, बनाने का जो बिजनेस है वही करना है। तो मैंने केक बनाना सीखा मैं स्क्रैच से और उसके बाद मैं बनाना शुरू किया। जो नेबर्स रहते हैं उनको सैंपल के लिए मैंने देना शुरू कर दिया। तो उनसे मुझे फीडबैक आया कि ये बहुत फ्रेश है, जो हम बेकरी से लेते उससे बहुत अच्छा है फ्रेशनेस से। सो वो लोग कह रहे थे कि मतलब मुझे भी पर्सनली ऐसा लगा कि जो भी मैं अभी केक मतलब खरीदने जाती हूँ तो मुझे फ्रेश केक वाला नहीं मिलता है, जो भी उधर रहता है वो भी वही लेके आना पड़ता है। और कुछ लोगों का कैसे रहते हैं, स्वीट ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को स्वीट कम चाहिए। जो हम घर में बनाते हैं ना उतना फ्रेश उधर नहीं मिलता था। सो मैं घर में ये जो बिजनेस था वो शुरू किया। जब भी मैं नेबर्स को दिया जो उनको अच्छा लगा के, उसके बाद वो लोग जो उनके बर्थडे था, एनिवर्सरी था, तो वो लोग ऑर्डर्स देना शुरू किया। 3 months ऐसे ही चला। उसके बाद मैंने सोचा कि उसका कुछ आगे का सोचे सर। नेक्स्ट मुझे बेकरी से मैंने टाइप किया, 3-4 बेकरी से। जब जो भी उनका ऑर्डर्स रहता था, कस्टमाइज, रेगुलर, सब मैंने ऑर्डर्स लेती थी और बना के देती थी। एक्चुअली मेरे एरिया में मैं बहुत फेमस हो गई। सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत फ्रेश बनाती है, बहुत कस्टमाइज बनाती है, मतलब हाइजीन रहता है, टेस्ट बहुत ही अलग रहता है। जो भी केक नहीं खाते वो भी केक खाना शुरू कर दिया है। ऐसा बहुत अच्छा फीडबैक आना शुरू हो गया सर मेरा। तो दोस्तों आगे मैम हमें बताएंगी कि कैसे आपको बेकरी स्टाइल केक बनाना है घर से, कैसे बिजनेस शुरू करना है, केक बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, केक बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है बिजनेस शुरू करने के लिए, सारी A to Z जानकारी मैम आगे देगी। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने। चलिए फ्रेंड्स, केक बनाने के बिजनेस के लिए हमको क्या क्या बेसिक टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हम लोग प्रोफेशनल बेकरी स्टाइल केक सीख रहे हैं, इसलिए हमको पिल्सबरी, जो मैं प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें आपको वेनिला, चॉकलेट और
रेड वेलवेट सब फ्लेवर आपको इजीली मार्केट ले अवेलेबल है। तो मार्केट में डिफरेंट शेप्स केक्स अवेलेबल रहता है, फॉर एग्जांपल राउंड हार्ट शेप, फॉर उनके लिए हमको ऐसे टिन्स अवेलेबल रहता है एल्यूमिनियम का, ऐसा टिन्स आप परचेज कर सकते हो। जैसे आपको स्क्वायर केक बनाना है ऐसे स्क्वायर टिन भी आपको अवेलेबल है, जैसे आपको राउंड में भी आपको मिल जाता है। सो ये कोल्ड केक पेस्ट्री केक को बनाने के लिए हमको ये जो इलेक्ट्रिकल बीटर ये जरूरी है। मैम ये सारी चीजें लोकल मार्केट में मिल जाएगी ना? सो डेफिनेटली सर आपको सब मिल जाएगा इजीली, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, लोकली आपको मिल जाएगा। ये सब क्रशेस से जो आप मार्केट में आप परचेज करते हो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रसमलाई, ऐसे आपको डिफरेंट क्रशेस आपको अवेलेबल रहता है। सो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि मार्केट में डिफरेंट कलर का आपका केक अवेलेबल रहता है, हम लोग ये वाला जेल कलर यूज करके हम वो डेकोरेशन कर सकते हैं। आइसिंग के लिए और सब फ्रोस्टिंग करने के लिए हमको पैलेट नाइफ इज मस्ट, ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आपको केक का डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने के लिए ऐसा नोजल्स आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है। हमको कोल्ड केक बनाने के लिए ये मस्ट है, इसको टर्न टेबल कहते हैं। ये आपको प्लास्टिक में भी मिलता है, ग्लास में भी मिलता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी आपको ज़्यादा दिन रहना चाहिए तो मेटल का बहुत अच्छा है। ये सब डेकोरेटिव स्प्रिंकलर से ये आपको डिफरेंट साइज में और डिफरेंट कलर में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको पाइपिंग बैग कहते हैं, ये भी मुझे नोजल डिजाइन करने के लिए, आइसिंग करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद ये स्क्रैपर बोलते हैं फिनिशिंग के लिए, साइड बॉर्डर डिजाइनिंग करने के लिए ये भी यूज़ होता है। दोस्तों इन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए हुए हैं, तो आप वहां से भी इन प्रोडक्ट्स को लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मैम इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाती है, ये टोटल समझो सामान लेना है, हाँ शुरू करना है, तो ये टोटल सामान कितने का आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? सो करीब आपको 5000 तक आ जाएगा सर। केक बनाने के लिए कुछ स्टेप्स रहता है, पहले हम लोग स्पॉन्ज बनाएंगे, उसके बाद हम फ्लेवर ऐड करेंगे, उसके बाद आइसिंग, फिनिशिंग, फाइनली हम लोग अट्रैक्टिव डेकोरेशन करेंगे। सो पहले हम लोग स्पॉन्ज रेडी करेंगे। ये क्या है मैम? सर ये प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स से हम लोग प्रोफेशनल बेकरी स्टाइल केक हम बना सकते हैं। अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जस्ट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डो मिक्स करना है बैटर को। तो ये स्पंज का प्रोसेस चालू है ना? हाँ सर, ये अच्छे से आपको बैटर को मिक्स करके जो आपको जो टिन में है ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है उसमें डालेंगे। मैम ये जो प्रीमिक्स रहता है ये प्रीमिक्स हर जगह मिल जाएगा ना? हाँ सर, हर जगह इजीली अवेलेबल रहता है। प्रीमिक्स की यूज करते हैं हम लोग कि आप मतलब अभी मैदा से आप बनाओगे तो परफेक्शन मेजरमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा कम हो जाएगा ना, सो आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। सो प्रीमिक्स में पहले से सारा कुछ मिक्स रहता है। सही है सर, इसीलिए हम लोग हर टाइम आपको सेम आउटपुट आएगा। सो थोड़ा सा श्योर सर, कंप्लीट बेकरी स्टाइल आपको बनेगा। थोड़ा सा टैप करेंगे, जो भी लम्स रहेगा, एयर गैप रहेगा, वो सब कवर हो जाएगा इसमें। सर अभी हम इसको बेक करेंगे। तो मैं अभी बेक करने के लिए तो ओवन लगेगा, तो सबके पास तो ओवन रहता नहीं है। मैं इधर क्लास में आपको कंपलसरी कुकर में ही आपको परफेक्ट कैसे केक बेक करते हैं वो सिखाती हूँ। जिसके पास ओवन है उसका भी मैं टेम्परेचर टाइमिंग सब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं अभी कुकर में ही सिखाती हूँ आपको। अच्छा, कुकर में ही हो जाएगा? श्योर सर, एकदम प्रोफेशनल केक बना, प्रोफेशनल सर, बड़े से बड़ा केक, छोटे से छोटा केक, सब कुछ बना हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर अभी मैंने कुकर प्री हीट करने के लिए रख दिया है, अभी जो हमने ये टिन में बैटर डाला है अब उधर रख देंगे, 25 to 30 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। अभी सिम पे ही रहेगा ये, ज़्यादा मतलब हाई पे नहीं रहेगा फ्लेम। आपको कुकर में 25 to 30 मिनट्स बेक होने के बाद आपको ऐसे आपको टेक्सचर दिखता है, ये फूल जाएगा ऐसे। यस सर, ये फूल जाएगा और ऊपर भी आपको थोड़ा लेयर ऐसे ब्राउन दिख जाएगा आपको। ओके, सो हमको नेक्स्ट अभी इसको कटिंग करना है, डिमोल्ड करना है। सो नहीं हम ये क्या करेंगे, नाइफ से ये थोड़ा लूज कर लेंगे साइड से, इसके बाद इसको उल्टा करेंगे। ओके ओके, इसमें जो बटर पेपर हमने लगाया था वो निकालेंगे। ये आपको परफेक्ट बेक हो गया, कितना स्पॉन्जी है ये। ये ऊपर का जो बेक हुआ है वो लेयर में कट करती हूँ, नाइफ से जस्ट आपको मार्क करना है ऐसा, जहाँ पे भी आपने मार्क किया है जस्ट आपको थ्रेड इंसर्ट करना है, उसके बाद ऐसे क्रॉस करना है, इससे आपका जो लेयर रहेगा परफेक्ट कट हो जाएगा। सो इसी तरह मैं इसमें और दो लेयर कट करती हूँ। हम लोग अभी तीन लेयर्स में अभी कट किया है। हाँ, अभी मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, अभी मैं व्हिप करने वाली हूँ। व्हिपिंग क्या होता है मैम?
सर ये आइसिंग के लिए ये मस्ट है, आइसिंग और फ्रॉस्टिंग करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होता है। सर ये इलेक्ट्रिकल बीटर है, ये 450 वाट का है, और ये जो व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने के लिए ये मस्ट है। ओके अभी मैं व्हिप कर रही हूँ, अभी मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। हाँ जितना आपको मीठा स्वीट चाहिए, कम चाहिए, इसमें आप वेरी कर सकते हो। ये कंप्लीट लेयर हमको वेट करना है। सो उसके बाद मैं अभी व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, जस्ट मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। ओके अभी मैं स्ट्रॉबेरी का केक बना रही हूँ, तो मैं स्ट्रॉबेरी क्रश अभी ऐड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स अभी फर्स्ट लेयर हो गया, सो नेक्स्ट लेयर में रख रही हूँ। उसके बाद फिर से हमको स्पॉन्ज को, मतलब लेयर को, इसको शुगर सिरप से ऐसे वेट करना है। नेक्स्ट लेयर के लिए भी मैंने अभी व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट में लेयर पे भी मैं पूरा बेकरी स्टाइल ही बन रहा है ना, कंप्लीट बेकरी स्टाइल सर, बेचने लायक रहेगा। श्योर सर, डेफिनेट। फ्रेंड्स अभी सेकंड लेयर हमारा कंप्लीट हो गया, सो नेक्स्ट हम थर्ड लेयर रख लेंगे। मैम ये जो केक है, जैसे कि कुछ कुछ केक्स मुंह में रह जाते हैं, हाँ सर, या फिर ऐसे चिपक जाते हैं, तो इस तरह का केक तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं सर, ये कंप्लीट कोल्ड केक है, तो इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव ऐसे कुछ भी ऐड नहीं रहता है, बहुत फ्रेशली हम बनाते हैं ये। सर हर एक केक का प्रोसीजर, जो बेसिक प्रोसीजर रहता है, सेम रहता है, वो प्रैक्टिस करते करते सब मुझे फिनिशिंग आ जाता है इसमें। अभी मैं हार्डली रफली कवर कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम से, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस व्हिपिंग क्रीम है, क्रशेस बाहर आया है, वो सब कवर होता है। सो टॉप लेयर पे हम लोग कोई भी क्रश ऐड नहीं करेंगे, सेम रहता है सर, बेसिक जो थिंग्स है सेम रहता है, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स रहेगा, डिज़ाइंस रहेगा, उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड केक्स डिफरेंट बनता है। देखिए अभी मैं जस्ट हार्डली रफली मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। टर्न टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, बिना टर्न टेबल हम केक, आइसिंग, शुगर, ये जो स्टेप है इसको आइसिंग बोलते हैं, ये नहीं बना कर सकते हम लोग। ये जो केक बनाने का जो ये प्रोसीजर है, ये सीख करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फैशन रहेगा, आपका मतलब इच्छा रहेगा, तो आप इजीली आप आराम से बना सकते हो केक। केक बना के आप इजीली आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसके लिए जो भी सपोर्ट रहेगा मेरे से आप मिल जाएगा आपको। तो मैम केक बिजनेस ही क्यों, केक बनाने का बिजनेस ही क्यों आपने चुना? अभी सर देखो, इस सभी जो जनरेशन है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हर एक सेलिब्रेशन केक से ही शुरू होता है। इसका जो मार्केटिंग है, इसका जो ट्रेंड है, कभी कम नहीं होगा, इसे ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। ये जो व्हिपिंग क्रीम है सर, इसमें मैं थोड़ा सा अलग निकाल रही हूँ। हाँ जो भी आपको कलर ऐड करना है, जितना चाहिए कलर उतना आप ऐड कर सकते हो। डिज़ाइनिंग के लिए मैं अभी पाइपिंग बैग में ये जो व्हिपिंग क्रीम मैंने बनाया है वो ऐड कर रही हूँ। अलग अलग डिज़ाइन करने के लिए, आइसिंग करने के लिए पाइपिंग बैग मस्ट होता है सर। सेम प्रोसेस का भी मैंने व्हाइट का व्हिपिंग क्रीम मैंने पाइपिंग बैल में डाल लिया है। अभी डिज़ाइनिंग प्रोसेस चालू हो गया है हमारा। अभी ऐसे इक्वल डिस्टेंस में मैं ड्रॉपिंग कर रही हूँ। अभी हमने ये सब डिज़ाइन कंप्लीट किया है, ड्रॉपर हमने किया है, कंप्लीट केक कवर किया है सब। सो अभी मैं स्टार नोजल यूज़ करके डिज़ाइन कर रही हूँ। क्रिएटिविटी डिज़ाइंस आपके ऊपर डिपेंड है, कस्टमर जैसे रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से आप केक के साथ खेल सकते हो। अभी जो मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे आपको डेकोरेशन अच्छा लगता है, जो भी आपको स्प्रिंकलर्स यूज़ करना है, कलर का, शेप का, डिफरेंट साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हो। आपको लगता ही नहीं है कि घर पे बना हुआ है केक करके, कंप्लीट बेकरी स्टाइल रहेगा ये हमारा। अभी जो केक है कम्प्लीटली रेडी हुआ है, आप मार्केट में ईजिली आप सेल कर सकते हो। ये कितने तक बिकता है मैम मार्केट में? ये आराम से आपको 700 टू 750 से आप भी मतलब सेल कर सकते हो मार्केट में इजीली। और मैम ये केक कितने दिन तक टिकेगा सर? एक्चुअली एक्सपायरी कितनी रहेगी? हाँ सर, इसमें मैंने कुछ भी प्रिजर्वेटिव कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप आराम से इजीली 3 डेज तक आप फ्रिज में रख के आप यूज कर सकते हो सर। तो मैम अभी मेन बात आती है कि अगर किसी को ये केक बनाने का बिजनेस अपने घर से शुरू करना है तो वो कैसे शुरू कर सकता है, आपकी तरह कैसे सक्सेसफुल हो सकता है ये बिजनेस से, वो जरा बताइए। श्योर सर, जब मैं सक्सेस हो गई तब मुझे बहुत लोग मुझे अप्रोच करने लगे, क्योंकि मैम मुझे भी सीखना है, घर में बैठ के कुछ अर्न करना है जो हमारा फ्री टाइम में। तब मैं ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ताकि जो घर बैठ के उनका केक बिजनेस शुरू कर सके सर। सर ये जो केक करने का बिजनेस जो भी लोग सोच रहे हैं उनको हम इजीली ट्रेन कर सकते हैं, अपने पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, और हम 100% प्रैक्टिकली उनको केक बनाना सिखा देंगे, और एंड टू एंड सपोर्ट रहेगा उस केक सीखे परफेक्ट होने तक।
हम उनको हेल्प कर सकते हैं। आप यहाँ पे 5 दिन में परफेक्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना परफेक्टली बिना केक बना के बिजनेस करना भी हम सिखाते हैं। सिर्फ हम केक बनाने के ही नहीं सिखा रहे हैं आपको, केक बनाना है और मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, उसके बाद उसे अर्न भी करना है आपको। और मैम जो है इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, इनका जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है बेकिंग रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल रिलेटेड, वो सारा सपोर्ट आपको लाइफ टाइम तक मिलता ही रहेगा आपका बिजनेस ग्रो होने के लिए। सर आप ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हो? सर ये जो ट्रेनिंग में हम जो मार्केट में भी ट्रेंडिंग में केक्स चल रहे हैं, वो केक्स हम बेसिक से परफेक्ट बना तक उनको सिखा देंगे। जो भी कोल्ड केक, आइस केक, पेस्ट्रीज बोलते हैं, वो केक हम उनको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे। सारे फ्लेवर के केक बना सकते हैं? जो सारे फ्लेवर के केक बना सकते हैं सर, उनको हम ऐसा ट्रेन करेंगे कि कस्टमर का कैसा डिमांड है ना, उस हिसाब से वो केक रेडी करके उनको डिलीवर कर सकते हैं। एक केक के पीछे कितना प्रॉफिट हो जाता है वो जरा बताइए। आप 1 kg का अगर केक मार्केट में लेने जाओ, कम से कम अच्छा केक मिलने तो 600-800 रुपीस पर केजी मिलता है केक का। लेकिन अब हम कम से कम 600 हम पकड़ के चलते हैं, 180-200 रुपीस कॉस्ट आता है 1 kg केक बनने के लिए। तो आप सेल करेंगे 600 के लिए तो आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा? 200% प्रॉफिट मार्जिन केक का बिजनेस में है। सर आजकल तो सेलिब्रेशन चलता ही रहता है, आपको तो पता है, आप जितने डेडिकेटेडली इसके ऊपर टाइम कितना देते हो, फैशन कितना होना, जितना मार्केटिंग करोगे, आपको कम से कम दिन में 4-5 तो ऑर्डर आ ही जाता है। अगर 4-5 ऑर्डर दिन का कर ले आपने, मिनिमम टू मिनिमम मंथली आपने 50-60,000 अर्न कर सकते, 50-60,000 आपको होगा होगा प्रॉफिट। और आपने इसके ऊपर और डेडिकेटली टाइम इन्वेस्ट किया, डेडिकेटली काम कर लिया, आप मिनिमम अप टू 1 lakh रुपये तो कमा सकते हैं इसके अंदर। तो सर अगर किसी को ये बिजनेस सीखना है आपसे तो फी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, क्या रहेगा वो जरा बताइए। सर नॉर्मली अपना जो केक का बिजनेस ट्रेनिंग हम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन क्लास का, 3,000 रुपीज चार्जेस है सर अभी। सर मैन्युफैक्चर गाइड का जो चैनल का व्यूवर्स है, इनके लिए हमने स्पेशल ऑफर निकाल के जो 50% ऑफ करके ओनली 1,500 1,500 में हम केक का ट्रेनिंग आपके लिए दे रहे हैं। ओनली आप स्क्रीनशॉट भेज दो या कॉल करो इस नंबर पे, आप रेफरेंस बताओ कि मैन्युफैक्चर गाइड के व्यूवर्स है, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलके 1,500 में ही आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं।